very good morning student hope you all fit and fine and enjoying your study at home with your parents student today i'm starting the revision of ebs and this is the revision number first so let's start now student in your first revision firstly you have to write in your copy these work आपको स्टूडेंट इन वर्क को अपनी कॉपी में राइट करना होगा जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या करना था काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स यू हैव जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं आपको उनके नम, आ, नेम क्या है राइट करने हैं तो ये आपका रिवीजन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट होगा तो नोज़ वन होती है आइज टू होती हैं ईयर्स टू होते हैं जस्ट अ मिनट टू होते हैं टीथ कितने होते हैं आप छोटे बच्चे हैं तो आप में ट्वेंटी होंगे अदरवाइज टीथ आप में ट्वेंटी नहीं हो बड़ों में ट्वेंटी नहीं होते हैं और होते हैं फिंगर्स टेन हो जाएंगे हैंड टू होते हैं लेग्स टू होंगे हैड वन हो जाएगा ठीक है तो ये आपका रिवीजन वन का फर्स्ट पार्ट हुआ और आपको इसी ही रिवीजन में रिवीजन नंबर वन में ही आपको ये सेकेंड पार्ट भी करना है दैट इज़ स्टिक पुट आर टिक अंडर द बॉडी पार्ट्स यू यूज़ टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ मीन्स आपको इन वर्क को करने के लिए इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए किन का यूज़ करना है उन पर आपको टिक लगाना है जैसे फॉर रीडिंग के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको आइस पड़े की ज़रूरत पड़ेगी रीडिंग करने के लिए डांसिंग के लिए आप क्या करेंगे लेग्स भी यूज़ करते हैं हैंड भी यूज़ करते हैं और ईटिंग के लिए आप क्या यूज़ करेंगे आप माउथ यूज़ करेंगे जब भी आप कुछ खाते हैं तो माउथ का यूज़ करते हैं स्लीपिंग स्लीपिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे सोने के लिए आप आँखें बंद कर लेते हैं और वॉचिंग टी वी आप देखते हैं तभी क्या होता है और यहाँ पर आप टीथ भी टिक कर सकते हैं ईटिंग में क्योंकि ईटिंग में टीथ की भी जरूरत पड़ती है तो स्लीपिंग में आप इस तरह से सो जाते हैं आंखें बंद करके और वाचिंग टीवी में आप आंखों से यूज़ करते हैं तो इस तरह से आपको ये टिक लगाना था और नेक्स्ट जो आपका इसी रिवीजन में होगा वो होगा नेक्स्ट ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके यहाँ पर फिल करना है होप यू सभी को क्लियरली दिख रहा हो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि क्या फिल करना सुनील एज़ क्या हो जाएगा यहाँ पर शॉर्ट एस एच ओ आर टी शॉर्ट नेक्स्ट है गीता इज़ फैट बट बट सीता इज़ थेन हो जाएगा यहाँ पे टी एच आई एन थिन डॉली इज स्पेस बट सुन इज डार्क तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फेयर हो जाएगा नेक्स्ट है एंड लास्ट है सलीम हैज स्ट्रेट हेयर बट जोसेफ हैज़ हो जाएगा यहाँ पे करली ठीक है कर्ली हेयर तो इस तरह से ये आपका पूरा हुआ रिवीजन फर्स्ट का पार्ट टोटल ये सारे वर्क आपको अपने कॉपी में करना होगा और ये आपका रिवीजन का फर्स्ट पार्ट है और आपके एग्ज़ाम में इन्हीं रिवीजन से पूछा जाएगा आप सब इन्हें राइट करके द करेक्शन सेंड भी करेंगे एंड आप इसे लर्न भी करेंगे क्लियर स्टूडेंट तो बस आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो रेस्ट पार्ट होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे